नेक्स्ट क्वेश्चन दो का सवाल है क्वेश्चन से इज ऑन अ हॉर्जोंटल सर ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास वन के जी इज प्लेसड म्यू हमें दिया हुआ है पॉइंट सिक्स एंड द ट्रक इज मूविंग विद एक्सलेशन ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है इस पर ध्यान देंगे सो so, ये आपका ट्रक है लेट से दिस इज द ट्रक ट्रकलाइन और ये ट्रक आगे मूव कर रहा है इसका ट्रक का जो आपको एक्सलेशन दिया हुआ है दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस ट्रक के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है वो वन के है और यहाँ पे कोविशन ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट सिक्स है सो दिस इज वन के और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स है ये अपना गिवन डेटा है सवाल अब ये है कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होएगा वो कितना होएगा ठीक <coughs> है तो हमेशा जब भी फ्रिक्शन के सवाल सॉल्व करते हैं हम हमेशा क्लासरूम में बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए कि फ्रिक्शन स्टैटिक की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होएगा तो यहाँ पे एफ एस मैक्स जो होएगा उसको हम लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन इस केस में हो जाएगा म्यू एम जी म्यू की वैल्यू अपने को दी हुई है जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एम वन है और वन मल्टीप्लाइड बाई टेन तो ये आ गया सिक्स न्यूटन यानी कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स अप्लाई हो सकता है वो सिक्स न्यूटन है उससे ज़्यादा का फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है ना अब इस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि ए एक्सलेशन आगे की तरफ फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे इसके ऊपर पीछे एक फोर्स लगेगा जिसको आप फोर्स कहेंगे उस फोर्स की वैल्यू जो है आपका फोर्स जो आएगा एम ए पीछे की तरफ उसकी वैल्यू होगी एम वन मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन फाइव यानी कि फाइव न्यूटन नाउ अब इस पर मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो सिक्स न्यूटन है इसका मतलब ये है कि जब तक छः न्यूटन का फोर्स या छः न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर जो इस वक्त जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स लेकिन इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर होएगा आपके अप्लाइड फोर्स के यानी कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन तो अपने इस केस में हम ही कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन वुड बी द राइट आंसर